से कम इसमें 2 महीने इधर हो गया, अभी इसमें कोई नजरेसानी नहीं हो रही है गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। कल भी कोई 2-4 ऑटो यहाँ फंसे, फिर बाइक वाले फंसे, 2-4 गिर भी गए, तो 2 महीने हो गए इसको खराब। तो कितनी दिक्कतें कितनी आ रही है? बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही है साइकिल वालों को, बाइक वालों को, गाड़ी वाले भी फंस रहे हैं। अभी हम ठीक डोडा के जामे मस्जिद के पास खड़े हैं और आप तस्वीरें हम आपको यहाँ की दिखाएंगे कि किस तरह की हालात यहाँ पर है। पिछले कहीं टाइम से यहाँ पर आयरन ग्रेटिंग जो है टूटी हुई है, जिसकी वजह से बहुत सारे ड्राइवर्स जो है वो दिक्कतों का सामना यहाँ पर कर रहे हैं। मेरे पीछे तस्वीरें दिखाना चाहूंगा, देख सकते हैं आप मेरे पीछे तस्वीरें हैं जहाँ पर आयरन ग्रेटिंग जो है पिछले कहीं टाइम से टूटी हुई है, जिस सबको लेके यहाँ पर कोई भी बाइकर हो, ऑटो चालक हो या कोई भी फोर व्हीलर वाला हो वो यहाँ पर जो है फंस जाता है, जिसकी वजह से काफी सारी दिक्कतें जो है उनको यहाँ पर आती है, काफी सारी मुश्किलात का सामना यहाँ पर करना पड़ता है। और इस तरह भी देखते हैं यहाँ पर ऊपर से गाड़ियां भी आ रही है और कहीं ना कहीं यहाँ पर फंसने की चांसेस जो है वो बार बार रहते हैं। लेकिन अभी तक पिछले कहीं टाइम से ना ही म्यूनसिपलिटी इस चीज को मॉनिटर कर रही है, ना ही आर्मी विभाग, क्योंकि आप जानते हैं कि आर्मी विभाग के द्वारा यहाँ पर जो है मैग्नेशन की गई थी, जिस सबको लेके ये सब चीजें भी ठीक की गई थी और म्यूनसिपलिटी भी यहाँ पर थी। लेकिन आज के वक्त की बात करें तो दिक्कतें काफी ज्यादा है, लोगों को परेशानियां जो है काफी ज्यादा है, इसकी वजह से काफी सारे हादसे भी यहाँ पर हो सकते हैं। और देख सकते हैं अभी तस्वीरें हैं यहाँ की, आयरन ग्रेटिंग जो है बिल्कुल टूटा हुआ है, कोई बच्चा यहाँ से निकले, कोई बुजुर्ग यहाँ से निकले, कोई बाइकर यहाँ से निकले या कोई गाड़ी चालक यहाँ से निकले, उनको जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन अभी तक डिपार्टमेंट को टस से मस नहीं और कोई भी डिपार्टमेंट की तरफ से तवज्जा जो है इन सब चीजों पे नहीं है। अब यहाँ के लोगों का क्या कुछ कहना है? कम से कम इसमें 2 महीने इधर हो गया, अभी इसमें कोई नजरेसानी नहीं हो रही है गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। कल भी कोई 2-4 ऑटो यहाँ फंसे, फिर बाइक वाले फंसे, 2-4 गिर भी गए, तो 2 महीने हो गए इसको खराब। तो कितनी दिक्कतें कितनी आ रही है? बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही है साइकिल वालों को, बाइक वालों को, गाड़ी वाले भी फंस रहे हैं, टायर पूरा नीचे जा रहा है, देखे फटा कितना पड़ा था। तो क्या लगता है कितना जरूरी है इसको ठीक करना? बहुत ज्यादा जरूरी है इसको ठीक करना, एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए इसमें नजरसानी करे। मेन मार्केट है डोडा की, है मेन मार्केट जामे मस्जिद, जामे मस्जिद की मेन मार्केट, मेन मार्केट में इस तरह का हाल है, इस चीज को देखा नहीं जा रहा, जगहों का क्या हाल होगा अल्लाह ही बेहतर जानता है। आगे ईद भी आ रही है, क्या लगता है इसको ठीक करना चाहिए? हाँ, इसको ठीक करना चाहिए, इसके लिए अभी ईद के तो अब 10 दिन बचे, रोजों के बड़ा रश होगा इधर मार्केट में, तो यहाँ कोई भी कुछ भी हो सकता है, हादसा भी हो सकता है, बच्चे भी यहाँ गिर जाते। कल एक बच्चा इसमें टांग चली गई उसकी, बेचारे की जबरदस्ती निकाला हमने, नहीं तो उसकी टांग भी तोड़ जाती, यानी काफी मुश्किलात का सामना है। उम्मीद क्या करते हो? उम्मीद यही करते हैं कि चल जल्दी कर रहे हैं, चेक करने चाहिए। मोहम्मद सलीम, सलीम साहब क्या कुछ दिक्कत है आपको यहाँ पर आ रही है? जनाब ये यहाँ पर ये टूटा है एंगल, ये 2 महीने से ऐसे इसकी कोई नजरसानी नहीं हो रही है, कभी बाइक वाले गिरते हैं इसमें, कभी ऑटो वाले गिरते हैं, कभी स्कूल के बच्चे बेचारे गिरते हैं, कल एक बाइक वाला सीधा उल्टा हो गया इसमें। ऐसे अगर बारिश में ऐसे भी आदमी चलेगा तो भी स्लिप होता है इस पर, तो इस पर कोई नजरसानी नहीं हुई, कोई देखता नहीं है। डोडा सिटी की मेन मार्केट है, जामा मस्जिद की जुमा के दिन कितना रश होता है यहाँ से, कल भी एक बच्चे की यहाँ से टांग टूटते टूटते मुश्किल से बची, तो स्कूल के बच्चे होते, आगे से ईद आ रही है, ईद में कितना गमागमी होती है इस एरिया में, ये ईद से पहले पहले ठीक होना चाहिए। तो लगता है डिपार्टमेंट इस पर कार्रवाई करेगा? उम्मीद तो यही करते हैं, उम्मीद है आपको। कितने टाइम से इस तरह की हालात थी? 2 महीने से इधर कोई नहीं देख रहा, कोई नहीं देख रहा, कोई नहीं। तो आखिर लास्ट टाइम कब ठीक किया था ये? हमें तो याद भी नहीं है। उम्मीद है अब आपको, देखते हैं क्या करती है एडमिनिस्ट्रेशन। सर मेरा नाम आदिल कदाफी, आप कुछ कहना चाहोगे? बड़ी दिक्कतों का सामना यहाँ पर लोगों को। सर देखिए ये दिक्कत तो हमें बहुत टाइम से आ रही है, ये तो 2 महीने की तो इनकी बात ही है जो यहाँ पे एंगल टूट गया है। सर दिक्कत इससे पहले भी आ रही है, आप किसी भी ऑटो वाले से पूछो, जिस टाइम ये नेहरू चौक क्रॉस कर रहे हैं या ऊपर से नीचे, नीचे से या ऊपर, आप देखिए ये एंगल अपनी जगह नहीं है, ये स्लिपर है, ऐसे ऊपर नीचे, ऐसे ऊपर नीचे, जो भी पेशेंट आता है उनको बहुत दिक्कत करना पड़ता है यहाँ पे, मतलब पैरापेट भी वो नहीं लगा हुआ है जिसमें मतलब आराम से इंसान चला जाए, और ये क्या बोलते हैं एंगल हर एक जगह टूटे हुए हैं, खड्डे हैं, कोई पूछताछ ही नहीं है, बिल्कुल कोई पूछताछ नहीं, और एकदम से जब जाम लग जाता है। अभी दिक्कत आ रही है सर, मैं मतलब ऊपर से मैं नीचे की तरफ आ रहा हूँ, एक बाइक वाला सीधा उल्टा हो गया, आप समझो शुक्र करो कि इसको पीछे से कोई नहीं था, अगर पीछे से कोई सवारी होती तो वो तो बिल्कुल बेड़ करके उसका हुआ था। मैं अब डीसी साहब से पूरा मन अपील करना चाहता हूँ कि प्लीज बड़ी मेहरबानी करके आप इस मसले को देखिए और नेहरू चौक वाले मसले को भी देखिए प्लीज, ये मेन मार्केट है, आगे से ये रोजे भी चल रहे हैं, आगे से जुम्मा मोहम्मद और आ रहा है, प्लीज बड़ी मेहरबानी करके। सर क्या नाम है आपका?
मेरा नाम फहीम शहजादा है। फहीम जी, क्या कुछ दिक्कत है आपको यहाँ पर आ रही है? देखो, जब भी हम यहाँ से चलते हैं, छोटे बच्चे चलते हैं, गाड़ियाँ चलती, बाइक चलती, इसको आज शायद एक दो महीने हो गए टूटे हुए। दुकानदार हजरत भी तांगे हैं सारे डंड। मुझे समझ नहीं आती डिपार्टमेंट को अभी तक पता क्यों नहीं है, उनके सुपरवाइजर है सारे। हम डिपार्टमेंट से बड़ा ही मेहरबानी करके रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप किसी को भेजे और इसको कम से कम ठीक कराएं। ये देखो, अगर कोई बच्चा आएगा, छोटा पैर चला जाए, रात को लाइट नहीं होती है, आगे ईद है, छोटे छोटे बच्चे चलते हैं, बुजुर्ग चलते हैं, तो ये देखिए, इसका छोटा बच्चा, इसका पैर मुश्किल से बचा। मैं इसका जा रहा था कहीं बाजार, इसका ये बेचारा मुश्किल से बच गया, इसमें पैर। इसलिए हम आपके माध्यम से डिपार्टमेंट को ये बताना चाहते हैं कि बड़ा मेहरबानी करके इसको ठीक कराए। ये हम्बल रिक्वेस्ट है जनाब।